बाराबंकी के पशु चिकित्सालय देवास्याई रिपोर्ट के आधार पर बाराबंकी में घोड़ों और खच्चरों में खतरनाक ग्लैंडर्स वायरस की पुष्टि हुई है। इसी बीमारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्लैंडर्स बीमारी की बात करें तो ग्लैंडर्स बर्खेलडेरिया मेलियाई जीवाणु जनित रोग है। एक जेनेटिक रोग है जो घोड़ों के बाद मनुष्यों स्तनधारी पशुओं में आसानी से फैल जाता है। इसका संक्रमण नाक मुंह के म्यूकोसल सरफेस और सांस के जरिए होता है। इसके लक्षणों की बात करें तो ग्लैंडर्स में त्वचा में फोड़े, नाक के अंदर फटे हुए छाले, तेज बुखार आना, नाक से पीला कनार व खून आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ और अधिक खांसी भी इसके लक्षणों में शामिल है। ये बीमारी मनुष्यों में पशुओं के साथ रहने और चारा डालने के वक्त फैल जाती है। मनुष्यों में इस बीमारी से मांसपेशियों में दर्द, छाती में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न, सर दर्द और नाक से पानी निकलने लगता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्लैंडर्स बीमारी एक लाइलाज बीमारी है। इसके संक्रमण होने से जानवर और व्यक्ति दोनों की मृत्यु निश्चित मानी जाती है। अभी तक यूपी में इस बीमारी की जांच के लिए कोई लैब भी उपलब्ध नहीं है। इस बीमारी की जांच हिसार यानी कि हरियाणा में मौजूद राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में ही की जाती है। मेलिन नाम के टेस्ट के जरिए इस बीमारी को कन्फर्म किया जाता है। इस बीमारी का पता एलाइजा और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन परीक्षण के जरिए लगाया जाता है। अगर रीटेस्टिंग में रिजल्ट पॉजिटिव रहता है तो घोड़ों और खच्चरों को वैज्ञानिक तरीके से चिकित्सकों द्वारा मार दिया जाता है। इन सब के अलावा आपको ग्लैंडर्स बीमारी के इतिहास के बारे में बताएं तो इस बीमारी की शुरुआत इंग्लैंड और इटली से हुई थी। वर्तमान में इस बीमारी का प्रभाव भारत समेत एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीकी देशों में है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में घोड़ों और खच्चरों को होने वाली ये खतरनाक बीमारी बाराबंकी, बदायूं, कासगंज, मेरठ और मुरादाबाद समेत कई जिलों के घोड़ों और खच्चरों में देखी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बीमारी से होने वाले घोड़ों और खच्चरों की मौत पर सरकार मुआवजे के रूप में घोड़े के लिए 25,000 और खच्चर के लिए 16,000 रुपए देती है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।